सल्ले आला, आला मोहम्मद वाला, वाला आलिही व सहाबिही व सल्ले सल्ले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अहले अल कुरान कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्लाह सुभान व तआला की नेमतों के दिल से शुक्रगुजार होंगे ज़िंदगी में आने वाली मुश्किल पे मुसीबतों पे अप्स एंड डाउनस पे अनवॉन्टिड इवेंट्स पे मुस्कुराते हुए सब चीज़ों को अल्लाह की रज़ा जानते हुए रदीत बिल्ला ही रबा पर पूरा यक़ीन रखते हुए कह रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग टू कंप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह वमा तोफ़ी ला बिल्ला हम सीरतुलनबी के खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं آج نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے هن نحمده ونصلي علی رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

अभी हम उन सब का पढ़ेंगे। हज़रत ने जिस वक्त इनसे शादी की थी इनकी उम्र अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी हज़रत इब्राहिम रजी तवा इनकी तमाम औलाद इन्हीं के बतन से थी और आप वसल्लम ने इनके जीते जी दूसरी शादी नहीं की थी रमजान सन दस नबुअत में 65 साल की उम्र में इनकी वफात मक्का में हुई और इन्हें हजून में दफन किया गया उमुल हजरत बिन ते ये बिन ये अपने भाई अमर रजी अन्हों के निकाह में थी दोनों ने इस्लाम कबूल किया और हबशा हिजरत की फिर मक्का वापस आए और हजरत सुखरान रजी तला इंतकाल हो गया इनके बाद शवाल सन दस नबुअत में यानी हजरत खतीजा की वफात के कोई एक महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली इनकी वफात मदीने में शवाल 54 हिजरी में हुई फिर इसके बाद शादी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका बिनते सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हों के एक साल बाद शवाल सन ग्यारह नबूवत में निकाह किया इस वक्त इनकी उम्र छह साल थी फिर हिजरत के सात महीने बाद शवाल एक हिजरी में आपकी रुखसती शादी हुई इस वक्त इनकी उम्र नौ साल थी आप वसल्लम ने इसके अलावा किसी कवारी औरत से शादी नहीं की यह उम्मत की सबसे ज्यादा फिकिया औरत है और औरतों पर इनकी फजीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर शरीद खाने की फजीलत है सतरा रमजान फिफ्टी सेवन हिजरी को इनकी वफात हुई और इन्हें बकी में दफन किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम शादियां जो थीं वो दीन का हिस्सा थीं अरब की रसुमत को तोड़ने के लिए थीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अहकाम पे शादियां की जब हुक्म नाजिल हो जाता था वही आ जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तफ रिवायतों को मुख्तलिफ रिवाजों को मुख्तलिफ दस्तूरों को तोड़ने के लिए वो शादी करनी पड़ती थी सिर्फ हजरत आयशा रजी तला वाहिद वो कवारी औरत हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की उमुल मोमिनीन हजरत हफ्सा बिनते उमर बिन खताब रजी तला ये हजरत हुनास ये हजरत हुनास बिन खजाफा सहमी रजी तला के उक्त में थी हजरत नास को गजवाए बदर में एक जख्म आया था जो बाद में फूट पड़ा और इसकी वजह से वो बदर और रोहत के दरमियानी अरसे में इंतकाल कर गए जब हजरत हफ्सा रजी इद्दत गुजर गई तो नबी सल वसल्लम ने शबान तीन हिजरी में इनसे शादी कर ली और उन्होंने बमर साठ साल मदीना में बा शबान फोर्टी फाइव हिजरी में वफात पाई और बकी में दफन हुई नबी सल अल्लाम की सारी अजवाज महतारात बकी में क्यों दफन हुई क्योंकि वो ज्यादातर मदीना में ही रहती थी और वो वहां का सबसे बेहतरीन थाबैदा के निकाह में थी चौबर में शहीद हो गए इसके बाद रमजान तीन हिजी में रसूल सलम ने इनसे शादी कर ली और कहा जाता है कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन हज रजील तहो के निकाह में थी वो जंग अहद में शहीद हुए और रसूल सल्लाम ने चार हिजरी में इनसे शादी की उन्हें जहालियत में उमुल मसाकीन कहा जाता है उमुल मसाकीन का मतलब है वो मसाकीनों को बहुत ज्यादा खाना खिलाती थी तकरीबन तीन महीने बाद रिब्यू सानी चार हिजरी में इनका इंतकाल हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें बकी में दफन किया गया मिलमोमिन हज़रत उम सलमा बिनते अबू उमैया रज़ी तलाो ये हज़रत अबू उम सलमा रजील्ला तलाो के उक्त में थी और अगर आपको याद हो ये अव्वल वक्त में अव्वल अवकात में मुसलमान होने वालों में से पूरा ये घराना था जो माइग्रेट होके मदीना जा रहा था लेकिन अबू सलमा चले गए थे उम सलमा को और उनके बेटे को पीछे रोक लिया गया था ये हजरत अबू सलमा रजी तनों के उक्त में थी और इनसे इनकी कई औलादे थी अबू सलमा अबी तनो उखरा चार हिजरी में वफात पा गए फिर हिजरी में चंद रोज बाकी थे कि इनसे शादी कर ली कि तरीन और अक्लमंद तरीन औरतों में थी सलमा का एक बहुत बड़ा किरदार हमने जंग में भी पढ़ा है कि आप सल्म बड़े दिल बर्दाश्ता थे अपने सहाबा की तरफ से और उमे सलमा ने उन्हें एक तजवीज दी थी और उनकी धारस बनाई थी जिसके बाद आप ने वो काम किया और बड़ा उनको सहाबा का राम ने भी फॉलो किया किसी को याद है कि वो कौन सा वक्त था दिया। शाबाश माशाकुत बिल्ला अल्लाह तब के इल्म में इजाफा करे जी बेहतर रिजवान जब हो चुकी थी सुलह देबिया का वक्त था जब आप सल्ला वसल्लम ने साहबा को कहा कि उठिए चादरें खोल लीजिए और सर मुंडवा लीजिए और साहबा के राम जब आप सल वसलम की एक आवाज़ पर उठ जाते थे कोई भी नहीं उठा उस वक्त कौन थी उमे सलमा जिन्होंने एडवाइज़ किया था आप सल्ला वसलम को कि अभी ये दिल बर्दाश्ता है आप खुद उठ के सर मंडवा लीजिए देखिएगा और कुर्बानी कर दीजिए साहबा का पीछे पीछे जरूर करेंगे और ऐसा ही हुआ था 84 साल की उम्र में 59 हिजरी में हिजरी और कहा जाता है 62 हिजरी बिनते बिन, अब्दुल की, की साहबजादी थी इनकी शादी जैद बिन मोमिनीन हजरत जैद बिन हारिसलम के मुँह बोले बेटे थे से की गई थी लेकिन दोनों दोनों में हम आहगी ना हो सकी के हज़रत तलाक दे दी चूंकि नबी सल ने मुताबाना ले पालक बनाकर इन्हें पाला था कि इनको हजरत जैद को और इसकी वजह से उन्हें जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था और अहले जहालियत में रवाज था मुतबन्ना बेटे की बीवी को मुतबन्ना बनाने वाले बाप पर इसी तरह हराम समझते थे जैसे हकीकी बेटे के बीवी को इसी जब हजरत जैद रजील ने हजरत जैनब रजील तनो की गुजर चुकी तो अल्लाह ने सात आसमानों के ऊपर से नबी सल अल्लाह वसलम के साथ इनकी शादी कर दी याद रखियेगा इनका निका आसमानों पर हुआ था इनका निका जमीन पे नहीं हुआ था आप सल सल्लाम का और हजरत जैनब रजील तहो का निका आसमान में किया गया था अल्लाह ने सात आसमानों के ऊपर से नबी वसल्लम के साथ इनकी शादी कर दी और मुतबन्ना बनाने के अमल को लौफ करार दिया यानी मुंह बोले बेटा होता ही नहीं है इस्लाम में अगर आप किसी को अडोप्ट भी करेंगे तो उसको इनाम उसके हकीकी वालिद का देंगे दूसरी बात है मुंह बोले बेटे की बीवी अगर बेवा हो जाए तो उससे शादी की जा सकती है इस रस्म को तोड़ा गया ये पांच हिजरी का वाक़ है और कहा जाता है कि चार हिजरी में किसी वक्त ये बात पेश आई हजरत जैनब रजी बड़ी इबादत गुजार और जबरदस्त सदका करने वाली खातून थी 53 साल की उम्र में 20 हिजरी में इनकी वफात हुई नबी वसल्लम की वफात के बाद मोमिनीन में से सबसे पहले उन्हीं ने वफात पाई हजरत उमर बिन खताब खता ने नमाज जमालजा पढ़ाई और वकी में दफन की हज़रत जवेरिया बिनते अलहारिस रईस बनु मुस्तलिक ये शबान छह हिजरी में गजवाए बनु मुस्तलिक के दौरान कैद की गई और हजरत साबित बिन कैस रजील तनो के हिस्से में आई उन्होंने तय किया कि एक मखसूस रकम अदा करके आजाद हो जाए नबी सल अलाम ने इनकी तरफ से मुक्रा रकम अदा करके आज़ाद कर दिया और शादी कर ली ये देखकर मुसलमानों ने बनु मुस्तलिक के सो घरने आज़ाद कर दिए और कहा कि ये लोग रसूल सल्लाम के ससुराली हैं चुनाचे ये अपनी कौम के लिए बड़ी बाबरकत खातून साबित हुई सिक्सटी फाइव साल की उम्र में रबी 65 साल की उम्र में रबी लेवल में 56 सिक्स हिजरी और कहा जाता है 55 फाइव हिजरी में वफात पाई अगली जो महातुल मोमिन है बड़ी ही दिलचस्प इनकी बातें हैं उमुल मोमिन हजरत उमे हबीबा रमला बिनते अबू सुफ़यान, अबू सुफ़यान की बेटी थी रजी अल्लाह तला ये उबैदुल्ला बिन हश के उक्त में थी इतनी जबरदस्त बात है कि इनके बाप जो थे वालिद अबू सुफियान वो बड़े अरसे तक कुफिर पे रहे और हमने पीछे पढ़ा भी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली और जब अबू सुफयान इनसे मिलने आए और तब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो इन्होंने क्या किया हबीबा ने कि उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर फोल्ड कर दिया तो उन्होंने कहा ये क्यों किया है क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं या मेरे इस बिस्तर के लायक नहीं तो उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि आप मुशरक हैं नापाक हैं और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है आप किरदार कितना जबरदस्त था बेटी हो गई थी लेकिन बाप ने उसकी शादी आप वसल्लम से कर दी अगर आज मुसलमानों का किरदार इतना साफ शफाफ हो जाए तो क्या ही बात है ये अब्दुल्ला बिन हश ये अब्दुल्ला बिन हज हजश के उक्त में थी और जब इससे हबीबा पैदा हुई तो इनकी नस्बत से इनकी कुनियत उमे हबीबा पड़ गई उन्होंने अब्दुल्ला के साथ हबशा हिजरत की लेकिन वो वहां नसरानी होकर हालत इर्तदाद यानी मुर्तद ही में वफात पा गया मगर उम्म हबीबा इस्लाम पर कायम रही जब रसूल सल्लाम ने अमर बिन उमैया दमरी रजी तला को नामा मुबारक देकर नजाशी के पास रवाना किया तो उसे हुक्म दिया कि उम्मे हबीबा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दे चुनाचे नजाशी ने आपसे इनका निकाह कर दिया और अपने पास से 400 सौ दीनार बतौर मेहर देकर शरहबील बिन हसना रजी ताला अन्हों के साथ उन्हें रवाना कर दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैबर से वापसी पर सफर या रबी अव्वल सात हिजरी में इनकी रुखसती हुई 42 या 44 हिजरी में इन्होंने वफात पाई और हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये निकाह गायबाना हुआ था इसका हक महर भी नजाशी ने दिया था जिससे हमें पता चला कि गायबाना निकाह किया जा सकता है और हक महर कोई और फैमिली का बंदा अदा कर सकता है उमल मोहम्मदीन हजरत सफिया बिन हुई बिन अख्तब रजीला तला ये शहजादी थी नजीर जो थे उनके सरदार की बेटी थी ये बनु नजीर के सरदार की साहबजादी और बनी इसराइल में हजरत हारून की नस्ल से नी खैबर में कैद हुई रसूल ने उन्हें अपने लिए मुंतब फरमाया और इन पर इस्लाम पेश किया वो मुसलमान हो गईं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद करके इनसे शादी कर ली ये फतेह खैबर सात हिजरी के वक्त की बात है मदीना वापस होते हुए खैबर से बारह मील के फासले पर वादिय साबा पहुंचकर इनकी रुखसती हुई पचास हिजरी में और कहा जाता है फिफ्टी टू हिजरी में और कहा जाता है थर्टी सिक्स हिजरी में इनकी वफात हुई और वकीम में दफन की गई किसी भी की एग्जैक्ट डेथ डेट क्यों नहीं पता क्योंकि उस वक्त बरसियां नहीं मनाई जाती थी उस वक्त वो दिन याद नहीं किए जाते थे अगर आप देखें आपको कहीं भी एग्जैक्ट डेट्स नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मिजाज मुसलमान का है ही नहीं कि बरसी मनाई जाए उनके दिनों को याद किया जाए ये वो रिवायतें हैं जो कुफार से हमने अपनाई हैं और अफसोस की बात है कि अभी भी हम इन पे कायम हैं उमुल हज़रत ममूना बिनते हारिस हलिया रजियात बीवी उमल फजल लुबाबल लुबाबल कुबरा बिनते हारिस हलालिया रजिया तनहो की बहन है इनसे रसुल्ला ने हिजरी में उमरा कजा से अहराम खोलने के बाद निकाह किया और मक्के से नौ मील के फासले पर मकाम में इनको रुखसती हुई इनकी वफात भी मकाम सरफ ही में सिक्सटी वन हिजरी में और कहा जाता है सिक्सटी थ्री हिजरी में और कहा जाता है थर्टी एट हिजरी में हुई और वहीं दफन भी हुई इनके इनकी कबर अब भी वहां मारूफ है ये ग्यारह होते हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई आप ने डिफरेंट औकात में शादियां की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा उछाला जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शादियां करते थे या आपने बहुत सी शादियां की लेकिन सीरत पढ़ने के बाद एक पॉइंट आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपने शौक से शादी नहीं करते या खुदा ना खास्ता अपने प्लेजर के लिए शादी नहीं करते थे बल्कि जब तक हजरत खदीजा रजीला जिंदा थी उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की दूसरी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम शादियां जो थी वो किसी ना किसी गलत बिदत किसी ना किसी गलत नॉर्म को तोड़ने के लिए की थी तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज जो कहते हैं कि हम खानदान से बाहर शादी नहीं करेंगे हम एक ही खानदान में शादी करेंगे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट कबीलों में शादी ना करते डिफरेंट जगहों पे शादी ना करते तो क्या इस्लाम इतना फैलता और कितनी दफा हमने देखा है कि एक बंदे के इस्लाम लाने से पूरे घराने के घराने मुसलमान हो गए इसके बाद हम आप की औलाद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हजरत इब्राहिम रजी तलाो के सिवा आप सलम की तमाम औलाद हज़रत खतीजा रजील तनहो से थी जेल इनका मुख्तसर सा जिक्र है कासिम रजी तनहो यम के सबसे बड़े साहबजादे थे उन्हीं की नस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत कुत कासिम थी उन्होंने इतनी उम्र पाई के चलने लगे थे फिर तकरीबन दो साल की उम्र में वफात पा गए जब मैंने ये पढ़ा ना तो मैंने कहा अल्लाह अकबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके साथ अल्लाह ने अपना नाम जोड़ा जिसकी जिनके लिए दुनिया बनाएगी जो रहमत आलमीन है उन्होंने कौन कौन सा दुख नहीं देखा जब बच्चा चलने फिरने की उम्र का होता है ना सबसे प्यारा होता है कितना प्यार आता है और इस उम्र में वो वफात पा गए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दुख में न ढाल नहीं हो गए या दिन का काम नहीं छोड़ा दिया क्या वो मिशन जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें भेजा था उसको भूल नहीं गए आज हमने अपनी मुश्किल को अपने सर पर सवार नहीं करना वरना हम दीन का काम नहीं कर सकेंगे उम्मते उम्मते वस्त होने का सही तरीके पे जो हक है उसको अदा नहीं कर सकेंगे जैनब रजिए त ये नबी वसल्लम की सबसे बड़ी जादी थी अल्लाह की राह में फरमाया ये मेरी सबसे अफजल बेटी है कासिम के बाद पैदा हुई अब्दुल आस बिन रबी रजी तन की शादी हुई जो इनकी खाला बिनते के साहबजादे थे जैनब रजी ते एक बेटा अली और एक बेटी उमामा रजी तनहो पैदा हुई उमामा रजी तलाहो को नबी सल नमाज में गोद में लिया करते थे आठ हिजरी के अबायल में मदीने में हजरत जैनब रजी तनहो ने वफ़ात पाई कैसे है आप सल वसलम ने अपने बच्चों की वफात की तकलीफ देखी बर्दाश्त की रुकैया रजी तहो इन से हजरत उस्मान बिन अफान ताला अन्हो ने शादी की और इनके बदन से एक अब्दुल्ला पैदा हुए, वो साल के थे आंख में चोरा से बिल आखिर वो वफात अल्लाह अकबर क्या क्या दुख है जो मेरे प्यारे नबी ने ही देखा और आज हम जरा जरा बातों पर गमगी हो जाते हैं अपनी औलाद की वफात देखी अपने औलाद की औलाद की वफात देखी और फिर भी कायम रहे ल्ला ल्ला बदर में थे हजरत रुकैया रजी तनहो वफात पा गई हजरत जैद बिन हारसा रजी तनो फता की खुशखबरी लेकर मदीना पहुंचे तो उन्हें दफन किया जा चुका था उन्हें कल्सूम रजी अल्लाह रुकै तो रजील की वफात के बाद बदर से वापस आकर रसूल सल वसल्लम ने उमे कल्सूम रजील तनों की शादी हजरत उस्मान बिन अफान रजी तनों से कर दी इनसे कोई औलाद ना हुई उन्होंने शाबान 9 हिजरी में वफात पाई और वकीम में दफन हुई फातिमा रजी तहो यह सबसे छोटी और सबसे महबूब साहबजादी थी ये अली जन्नत की औरतों की सईदा सरदार हैं हज़रत हज़रतली बिनबू तालब रजील तहो ने बदर के बाद इनसे शादी की इनके बतन से दो साहबजादे हजरत हुसैन और हज़रत हसन रजील तलाहो और दो साहबजादियाँ हजरत जैनब और उमे कल्सूम ताला अन्हो पैदा हुई ये वही उमे कल्सूम है जिनसे हजरत उमर बिन खताब रजी ताला अन्हो ने शादी की और इनसे हजरत जैदुल जैद रहमतुल्ला पैदा हुए हज़रत उमर ताला अन्हो की वफात हो गई तो उमे कल्सूम रजी अन्हो के चचेरे भाई ओन बिन जाफिर ने इनसे शादी की फिर ओन की वफात हो गई तो उनके भाई मोहम्मद ने शादी कर ली फिर मोहम्मद भी वफात पा गए तो दूसरे भाई अब्दुल्ला ने इनसे शादी कर ली फिर अब्दुल्ला के में रहते हुए खुद उमे कल्सूम ने वफात पाई हजरत फातमा रजी तला की वफात नबी सल की वफात के छह महीने बाद हुई नबी वसल्लम की ये पांचवी औलाद पांचों ओलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरफ नबूत से मुशरफ होने से पहले पैदा हुई यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले पैदा हुई अब रजी तहो इनके बारे में इख्तलाफ है कहा जाता है कि इस्लाम में पैदा हुए और कहा जाता है कि इसके पहले पैदा हुए उन्होंने भी बचपन ही में वफात पाई कि हजरत खतीजा रजी से नबी सलम के आखिरी साहबजादे थे इब्राहिम रजी तहो उला या सानिया नौ हिजरी में आपकी लोंडी मारिया के बर्तन से मदीने में पैदा हुए और ट्वेंटी को जिस दिन मदीना में सूरज ग्रहण लगा था वफात पाई इस वक्त वो अठारह सोलह या अठारह महीने के बच्चे थे और अभी दूध पीते थे इन्हें बकी में दफन किया गया नबी वसल्लम ने फरमाया उनके लिए एक दाया जन्नत में इनकी रजात पूरी कर रही है अल्लाह अकबर कबीरा आप अलैहि वसल्लम की सीरत का कौन कौन सा पॉइंट है जो हम छोड़ सकते हैं कोई भी नहीं और आपकी सीरत का हर हर मोती कितनी कुछ कितना कुछ हमें सिखाता है बड़ी बड़ी मुसीबतें आई आप मिशन पे डटे रहे। जब आप शायद फोकस थे एक ही जगह आपका था और कोई जिंदगी बड़ी पीसफुल गुजर रही थी लेकिन जब देखते हैं तो साइड बाय साइड अपनों के जाने का अगम भी वो बर्दाश्त कर रहे थे वो फाके से भी थे वो माल की कमी से भी थे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में भी थे लेकिन दीन को फैलाने का जो मिशन अल्लाह ने उन्हें दिया वो उन्होंने पूरा किया आखिरी नबी होने का पूरा पूरा हक अदा किया और अब हम पे क्या जिम्मेदारी आ गई क्या हम पे सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि रबी उलवर का महीना आ गया है और हम नाते पढ़ें और झूम झूम के उन्हें याद करें और अच्छे अच्छे जोड़े पहने और पार्टीज करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसलिए नहीं उम्मत मोहम्मदिया बनाया था उम्मत वस्त का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है हमारे पे बहुत भारी जिम्मेदारी है इस रबल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दरूज शरीफ पढ़े अल्लाह सुबहान मुझसे राजी हो हमारी प्यारी नानी माँ जो इस दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह सुबहान तआला उनकी मगफरत करे उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए हम सबको ऐसे काम करने की तौफीक दे कि हम उनके लिए सदका जारिया रिया बने और अल्लाह सुबहान तआला हम सब को इज्जत की बापरदा मौत अता फरमाए हमारा खात्मा बिलखैर करे हमें उस वक्त इस दुनिया से ले जाए जब मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो और जब मेरी जबान पे कलमा जारी हो अल्लाह अल्ला ताला हमें मोहताजी से बचाए अल्लाह सुबहान हमसे दीन का बेहतरीन काम ले ले हमसे हमारी नस्लों औलादों से हमारी नस्लों से, से, से अल्लाह सुबहान दीन के बेहतरीन काम ले ले अपना बहुत ख्याल रखिएगा